यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया। इस साल फरवरी में ये कानून पारित हुआ था। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे बड़ा मकसद है और मकसद ये है कि बड़ी सार्वजनिक परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो पाए, साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आई सामने, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए फुल प्रूफ प्लान रेडी कर लिया है। योगी अब उस रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना तो दूर, सोचना भी मुमकिन नहीं होगा। इम्तिहान से पहले पेपर लीक, परीक्षा के नाम पर छात्रों से छलावा अब आक्रोश में बदल चुका है। देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। अथक परिश्रम की अनदेखी पर गुस्सा भड़क चुका है और सवाल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं, आखिर कब तक? आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक परीक्षा में धांधली होती रहेगी? एक तरफ छात्रों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता है। यूपी में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति तैयार की है। योगी के मास्टर प्लान की बात करें तो एक परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों के पास होगी। परीक्षार्थियों को होम टाउन के बाहर पेपर देना होगा। आयोग और बोर्ड में ही OMR शीट की स्कैनिंग होगी। ज्यादा आवेदक होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। PCS परीक्षा एक ही पाली में हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार नया कानून लाएगी जिसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है। ये नई नीति तैयार हो चुकी है और इस नीति में सीधे तौर पर यह प्रावधान है कि अगर कोई नकल करता पकड़ा गया या पेपर लीक होता रहा तो उसमें जो लोग दोषी होंगे उनको कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ये पेपर लीक रोकने के लिए जो राजकीय विद्यालय और जो प्रतिष्ठित संस्थान है जहां CCTV फुटेज वगैरह सब मौजूद रहेंगे, परीक्षाओं के ऐसी जगह पर ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जिस परीक्षा में बैठेंगे उसमें 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस नीति में सीधे तौर पर इस तरह का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पेपर लीक पर पूरी तरह लगाम लगे। इसके लिए सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके तहत क्वेश्चन पेपर में सीक्रेट कोड डाले जाएंगे। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर सीक्रेट कोड होंगे। यूनिक बारकोड और QR कोड होगा। प्रश्न पत्र में यूनिक सीरियल नंबर होगा। प्रश्न पत्र लाने के लिए मल्टी लेयर पैकिंग होगी। प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल कैमरे पर प्रतिबंध रहेगा। कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ योगी का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है जो जल्द ही कानून की शक्ल लेगा। लेकिन लगातार जो परीक्षाओं से संबंधित जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेके आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कठोर नीति लाने की योजना बनाई है जिसके तहत पारदर्शिता, सुगमता, स्थिरता, छात्रों को सुविधा और जिन एजेंसियों को दिया जाता है परीक्षा कैसे होगी, कितने विद्यार्थी किसमें बैठ सकेंगे, तमाम चीजों पर चिंतन करने के बाद है। और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो किसी तरह से लीकेज के दोषी, उनके लिए कठोरतम दंड का प्रावधान भी किया जा रहा है। यानी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की अब यूपी में सामत आने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, जिस रणनीति के साथ पेपर लीक की घटना को रोकने का खाका तैयार किया है, अब जल्द ही उसे अमली जामा पहनाया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और हापुड़ से बड़ी खबर है, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हादसा हुआ है। दो कारों की जोरदार भिड़ंत हुई है जिसमें हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। एक महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं। थाना बाबूगढ़ के NH 9 की यह घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है, दो कारों की भिड़ंत हुई और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव होना करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि स्पीकर पद पर विपक्ष प्रत्याशी उतारेगा। डिप्टी स्पीकर पर सरकार के रुख से विपक्ष नाराज है। प्रोटेम स्पीकर पर भी विपक्ष ने नाराजगी जताई है। आज लखनऊ के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम को 5:30 बजे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर विस्तार में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राजनाथ सिंह। तो लखनऊ का दौरा है, कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। फिरोजाबाद में कैदी की मौत पर हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने पथराव किया और पुलिस की कई गाड़ियां तोड़ दी गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस ने कैदी को जेल भेजा था और जेल में कैदी की मौत के बाद लोगों में नाराजगी है। लोगों ने पुलिस वालों पर आरोप भी लगाए हैं। इस तारीख की रात में इनकी जिला जो कारागार है वहाँ पे तबीयत बिगड़ गई। जो संबंधित जेल के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इनको प्राथमिक उपचार दिया गया तथा तबीयत में ठीक सुधार न होने पर पुनः आज सुबह इनको जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस की कई टीमें गठित करते हुए पैनल के द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया गया है। यहाँ मौके पर कुछ जो पीड़ित पक्ष हैं उनके साथ में कई लोग एकत्रित हो रखे थे, उसमें से कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, जिसमें तत्समय हल्का बल प्रयोग करते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाने के दृष्टिगत हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। मेरठ में स्विमिंग पूल में नहाने गए एक लड़के की मौत का मामला सामने आया। अवैध स्विमिंग पूल में नहाकर लड़का जैसे ही पूल से बाहर निकला बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की तस्वीरें CCTV में कैद हो गई हैं। घटना के बाद अवैध स्विमिंग पूल संचालक फरार हो गया। घटना थाना जानी क्षेत्र के सिवाल खास इलाके की है। 17 साल का समीर क्रिकेट खेलने के बाद स्विमिंग पूल में नहाने पहुंचा और कुछ देर नहाने के बाद जैसे ही पूल से बाहर निकला तभी बेहोश होकर पूल के किनारे गिर पड़ा। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह समीर अकेला जा रहा था, अचानक गिर पड़ा और बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हुई है। फिलहाल इसमें अभी तक कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है। और उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। एक बाइक पर 3 लड़के सवार थे, टक्कर लगने से सड़क पर गिर गए। तीनों एक ट्रक की चपेट में आ गए और तीनों की मौत हो गई। हादसा आसीवन थाना क्षेत्र के मियागंज CHC के सामने हुआ है। थाना आसीवन क्षेत्र के CHC मियागंज के सामने आज एक स्प्लेंडर बाइक पर 3 बच्चे सवार थे जो मंडी की तरफ जा रहे थे लोकल, और उस उनकी स्प्लेंडर बाइक का अपाचे बाइक से टक्कर हो गया, जहां पर 3 बच्चे रोड की तरफ गिर गए और पीछे से आ रहे ट्रक ने उन 3 बच्चों को उछल दिया, जिससे उन 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। ये 3 बच्चे मेवाती टोला कस्बा मियागंज के ही रहने वाले थे। जौनपुर पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की रंजिश बताई जा रही है। मामला सराय ख्वाजा थाना इलाके के पालहा मऊ गांव का है। 13 जून को घर पर सोते हुए बुजुर्ग चंद्रभूषण तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस अधीक्षक
जनपद जौनपुर के द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए और अधिकतम गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया था और टीमें लगातार इसमें काम कर रही थी और इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त आकाश विश्वकर्मा निवासी पालामू और सौरभ जायसवाल निवासी बिंडमगंज जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। चित्रकूट में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया और हंगामा किया। पुलिस ने महिला के पति और ससुर को पकड़ लिया है। मामला शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के कस्बे का है। लड़की की माँ आती है, इनको कुछ नहीं बताया जाता, दिन भर घर में रहती है, सब सही है। इसके बाद ये घर जाती है, पहुंच ही नहीं पाती, बिसंडा भी नहीं पहुंच पाती, तुरंत खबर पहुंचती है खत्म हो गई। हाँ, वहाँ का माहौल कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट था। अचानक फोन आता है, वही ज्यादा ज्यादा घंटे ही डेढ़ घंटे बाद। गाजियाबाद के मोदी नगर में 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता ने घर के अंदर ही फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। आरोपी है कि 25 साल के आरोपी ने नाबालिग छात्रा को होटल में ले जाकर 17 जून को रेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। होटल के कागजों में भी गड़बड़ी मिली है। मोदी नगर पुलिस ने होटल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद बच्ची का परिवार जहां पर मातम पसरा हुआ है। उमेश पार्क मोदी नगर में पड़ता है, वहां के निवासी एक व्यक्ति हैं। इनकी 13 वर्षीय पुत्री थी। इन्होंने कल थाना मोदी नगर पर सूचना दी थी कि 17 जून को एक लड़का है जो कि 23 वर्षीय है, उसने उसका इंस्टाग्राम से संपर्क किया था। इंस्टाग्राम से ये दोनों संपर्क में थे, इनकी लड़की और लड़का, और उसने मैसेज करके बुलाया और उसको अज्ञात स्थान पर ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस सूचना पे तत्काल जो है थाना मोदी नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था तथा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है तथा समस्त वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने का प्रस्ताव यूपी शासन को भेजा गया है। बॉर्डर सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को अपनाने की बात कही गई है। विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास की डीएम के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद डीएम ने उनकी सुरक्षा हटा ली। राजूदास ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपनी हत्या की साजिश बताया है। नहीं, मैंने अपनी हत्या की इसलिए आशंका जताई कि इतने, मतलब मेरे ऊपर इतने ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, इतने धमकी मिलने के बावजूद भी अधिकारी ने सुरक्षा हटा लिया, तो इसका क्या मतलब है? हत्या कराने की साजिश है और कुछ नहीं है। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है। ये दुखद है, लेकिन मुझको विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पर, मुझको खुद विश्वास है अपनी सरकार पर, क्योंकि हम लोग बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो इसकी चिंता नहीं है और देर है, अंधेर नहीं है। संभल में होटल में कमरे में युवक युवती के शव मिले हैं। युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला है, जबकि युवती का शव मिलने के बाद बताया जा रहा है कि जहर से मौत हुई है। घटना संभल कोतवाली क्षेत्र में हसनपुर रोड पर मौजूद होटल की है। लड़का और लड़की होटल में रुके हुए थे। होटल कर्मचारी ने जंगल से झांका तो युवक फांसी पर लटकता हुआ देखा, यानी कि खिड़की से जब देखा गया तो ये पता चला। और होटल में जमा आईडी के मुताबिक लड़का लड़की दिल्ली के और संभल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये थाना संभल के अंतर्गत एक होटल है आर स्टार, जिसमें पुलिस को सूचना मिली होटल के
कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि इनके एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की संदिग्ध अवस्था में संभवतः मृत पड़े हैं। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़का फांसी के पुलिस पर लटका हुआ पाया गया और लड़की भी बेड पे मृत अवस्था में पाई गई, जो प्रथम दृष्टया जहर खाने की वजह से इसके मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। आजमगढ़ के एसपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कराकर जेल भेज दिया। आरोपी पुलिस वालों पर डरा धमकाकर 6000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। पीड़ित कैलाश प्रजापति ने बड़ा गांव थाना निजामाबाद में लिखित तहरीर दी थी। थाना निजामाबाद पर पब्लिक की व्यक्ति की कंप्लेंट पर दो आरक्षियों के विरुद्ध धारा 386 IPC की एक FIR दर्ज की गई है। इस FIR को दर्ज करते हुए दोनों आरक्षियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसमें एक आरक्षी अजीत कुमार यादव जो जनपद आजमगढ़ में और दूसरा आरक्षी सत्यदेव पाल ये जनपद मऊ में तैनात है। इन दोनों के द्वारा जन शिकायत में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के वादी एवं प्रतिवादी व्यक्तियों से संपर्क कर कार्रवाई कराने न कराने के नाम पर उनको डरा धमकाकर पैसे वसूलने का आरोप प्रमाणित होने के पश्चात ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।